विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ओर से नागपुर विधान मंडल पर विजुक्ता महासंघ द्वारा शिक्षा बचाओ आंदोलन किया गया। इस मौके पर संस्था के तमाम टीचर्स मौजूद थे। आइए डालते एक नजर। नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम है यशवंत स्टेडियम में, जहां पे ये तमाम शिक्षक लोग अपनी मांगों को लेकर यहां पे आए हुए हैं। इनका ये मानना है कि पिछले कई वर्षों से सरकार ने अनदेखी की है और इनकी जो कामकाज है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, जैसे जीआरआर और तमाम ऐसे सवाल है। आइए जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वही मैदान है जहाँ पे विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर एसोसिएशन के विजुक्ता के ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और इनका ये कहना है कि अगर शिक्षकों की बात हमें रखना होगा, सरकार का ध्यान इस ओर खींचना होगा, इसलिए तमाम लोग आज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे ये तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पे आए हुए हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात हो रही है कि जिसके चलते आज इनको यहाँ आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, यही बात जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में इस यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताए क्या क्या है आपकी मांगे? शिक्षण और शिक्षकों की मांगे बहुत दिन से प्रलंबित है और ये प्रलंबित मांगे पूरी करने के लिए हम गई 5 साल से आंदोलन हमारा चल रहा है, जो कि परीक्षा के ऊपर, मूल्यांकन के ऊपर, जबकि जो नहीं करना चाहिए लेकिन शासन हमारे तरफ जो ध्यान नहीं देना दे रही है और जो प्रलंबित मांग है उसको पूरी नहीं करती। बिना पेंशन, बिना वेतन शिक्षकों को वेट बिगार बना दिया है इस, और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में महाराष्ट्र की जो तस्वीर थी उसका सब बट्टा मोल कर दिया इन्होंने। और हमारी मांग है कि पेंशन, जूनी पेंशन सब शिक्षकों को लगना चाहिए और बिना अनुदानित को तुरंत अनुदान देना चाहिए। अभी जो मोल्डे सर ने बोला उसी तरह पिछली बार सरकार ने हमें बहुत सारे आश्वासन दी थी लेकिन वो सरकार ने पूरी नहीं की है। जैसे कि 25,000 लोग बिना वेतन काम कर रहे, जिसमें परमानेंट नॉन गन टीचर्स है, जिसमें आईटी टीचर्स है, जिसमें हमारे जो बेस्ट पोस्ट वाले टीचर है प्रस्तावित, उन सेल्फ फाइनेंस वाले जो लोग हैं, ये सभी लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, बिना वेतन वो लोग काम कर रहे हैं। ये सभी लोगों को तनख्वाह मिलने के लिए ये विजुक्ता और महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघ की ओर से ये धरने एजिटेशन आज नागपुर में हो रहे हैं। इनकी शैक्षणिक धोरण जो है शासन का वो बहुत गलत हो रहा है। हर एक का एक ग्रुप बना के उन्होंने शिक्षक को कुछ नहीं मिलना चाहिए ऐसी व्यवस्था करके रही, इतना गलत है कि आने वाली सब सामाजिक पीढ़ियां बर्बाद होने वाली। शासन इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द ही कुछ ठोस निर्णय लेके अच्छे से अच्छे धोरण शैक्षणिक क्षेत्र में डालना चाहिए, इसलिए आज का हमारा यह आंदोलन है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में है, शिक्षिकाएं, उन्हें भी जानना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सर, जब आमदार और खासदार को 2010 से पेंशन लागू हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं और हमारा अधिकार हमको मिलना ही चाहिए। हमारा पटसंख्य का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, आर्ट्स कॉलेज का पटसंख्य कम करना चाहिए। ऑनलाइन पद्धत बंद करना। हेलो, 2005 के पहले के शिक्षक थे, हम लोग क्या शिक्षक नहीं है क्या? हमको पेंशन नहीं है, उनको पेंशन है, ऐसा क्यों? ऑनलाइन प्रवेश कमी वाला पाहिजे, बंद करायला पाहिजे ऑनलाइन चे, बिल्कुल ऑनलाइन के जी। और इनके ये जो मांगे है, कोई गांव का सर हमारे साथ में, सर ये बताइए कि आखिरकार सरकार ने यदि आपकी मांगों को दरकिनार किया या सरकार आपकी मांगों को खारिज करती है तो आपकी अगली रणनीति शिक्षकों की क्या होगी? हम इसके बाद सर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। पिछले 5 साल से हमने ये आंदोलन करते आए, हम ना चाहते हुए भी माध्यमिक बोर्ड पे हमको बहिष्कार करना पड़ता है और वो बहिष्कार हम फिर से करेंगे क्योंकि हमारी ये अगली स्टेज यानी इसके बाद का आंदोलन हमारा मोर्चा होगा, इसके बाद हम बहिष्कार करेंगे। सबसे पहली बात ये थी कि सरकार ने ये शिक्षा नीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया सर, हमारे सब शिक्षकों को 15 से 20 कैटेगरी में बांट दिया है और हमें ही सब झगड़े लगा दिए हैं। ये सरकार की गलत नीति पिछले 5 साल से चली और ये 5 साल की गलत नीति में पूरी शिक्षण व्यवस्था को नेस्तनाबूत कर दिया है सरकार ने। आपकी प्रमुख मांग क्या है?
हमारी पहली प्रमुख मांग है कि 1 नवंबर 5 और बाद वाले सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। दूसरी मांग है 10-20-30 के लिए जो अभी गवर्नमेंट ने लागू किया है, अगर सभी सरकार को मिल रहा है, सभी सरकार कर्मचारियों को मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं, हमें क्यों वहां से बाहर किया जा रहा है। इसलिए 10-20-30 प्रस्तावित योजना जो है वो हमें मिलना चाहिए। और एक बात कि जो 20% का अनुदान लागू किया है वो किसने 2014 से लेके तो 2019 आ गया, अभी तक तो कुछ नहीं किया, इसलिए उसमें भी हमें वो 20% का हमारे बांधवों के लिए मिलना चाहिए। हमारी ये प्रमुख मांग है। शिक्षकांच्या समस्यांचा गुंता हा वाढत चाललेला आहे, म्हणजे माय खायला देत नाही आणि भात भीक मागू देत नाही अशी अवस्था आमच्या सर्व प्राध्यापक मंडळीची झालेली आहे। एक तर पेन्शन ही म्हातारपणची काठी आहे आणि ते पेन्शन मिळालंच पाहिजेत, कारण पेन्शनशिवाय मनुष्य भविष्य काळात जगू शकतच नाही, कारण त्याला सुद्धा काही वेळाला आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, हे सरकारनं होऊ दे नाही यासाठी आमचा उठाठेव सर्व चालू आहे। सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए मैंने ये भी कहा पेन्शन का मुद्दा, सर आप क्या कहना चाहोगे? महाराष्ट्रातील खासगी संस्थांमधील शिक्षकांच्या सेवा ह्या 1977 अधिनियमान्वये आहेत आणि त्या अधिनियमामधील नियम 16 आजपर्यंत आणि नियम 4 आजपर्यंत दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही आणि त्यामुळे अधिनियम हा कायदा आहे, शासन निर्णय हा कायदा नाही आणि या शासन निर्णयानुसार आमच्यावर जुनी नवीन पेन्शन योजना लादल्या गेलेली आहे। या सगळ्या जुन्या नवीन पेन्शन योजनेचा मी या ठिकाणी निषेध करतो। शिक्षण क्षेत्रामध्ये जी वेठबिगारी आहे, कायाविना अनुदान तत्व, अनेक वर्षापासून शिक्षकांना अनुदान नाही, पगार नाहीत, त्यांची खाण्यापिण्याची सोय नाही, या सर्व गोष्टींचा मी विजुक्ताच्या वतीने निषेध करतो। तो ये तमाम शिक्षक आज यहाँ पे जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। जिंदाबाद, 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 शिक्षकों का विजय असो ऐसा ये कहकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सरकार का बिल्कुल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह इन शिक्षकों में, शिक्षक बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार से दो हाथ करने के लिए ये तमाम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो दर्शकों देखा आपने कि किस तरह से ये जो शिक्षक है यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। इनकी ये मांग की कि सरकार जो है सौतेला व्यवहार इनके साथ कर रही है और पेंशन नहीं दिए जा रही है। अगर इनका बुढ़ापा आता है तो फिर इनका पालन पोषण या उनके बच्चों का गुजर बसर कैसा हो, एक सवाल अपने आप में बनता है। सरकार मूलभूत अधिकारों से इन्हें वंचित रखना चाहती है, ये नहीं होना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनको पेंशन मिलनी चाहिए और इनकी जो तमाम मांगे उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि ये जो देश है ये संवैधानिक देश है और आज देश आजाद होने के बाद 70-75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये जो अध्यापक लोग है ये आज भी आजाद नहीं हुए, ऐसा इनका कहना है। जब तक इनकी मांगों को पूरा ये सरकार नहीं करेंगी तब तक ये शिक्षक अपने आप को आजाद नहीं मानते, और आपको आजादी इनको देना है तो आप लोगों को इनकी मांगों को पूरा करना ही होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। और लोकतंत्र में जीने वाले इन शिक्षकों के लिए हमने कामकाज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को विद्यार्थियों को जो पढ़ाने का काम है, विद्यार्थियों को भविष्य का जो देश का नेता हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या हो फिर अध्यापक, ये बनाने का काम लगातार ये तमाम शिक्षक लोग ही करते हैं। मगर अफसोस कि आए दिन जी शिक्षकों के लिए इन बातों को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार ने इसके ओर ध्यान देना चाहिए और इन्हें न्याय देना चाहिए, यही मांग ये तमाम भारतवर्ष से आए हुए शिक्षक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।